हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फैट लॉस सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं फैट लॉस के दौरान क्या क्या खाता हूँ, जिससे मैं फैट टू मस्कुलर फिजिक अचीव कर पाता हूँ और आप भी फैट टू मस्कुलर फिजिक अचीव कर पाओगे। बस आपको प्रॉपरली ये डाइट फॉलो करनी है और प्रॉपर वर्कआउट करना है, स्ट्रिक्ट रहना है, नो चीट मील्स, नो एक्सक्यूजेस। और अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो तब भी आप फैट लॉस तो जरूर कर पाओगे। तो चलते हैं हमारी मील नंबर वन की तरफ, जो है हमारा ब्रेकफास्ट प्रोटीन स्मूदी। मील नंबर वन प्रोटीन स्मूदी, और ब्रेकफास्ट में हम खाने की जगह पियेंगे। तो हमारी पहली मील जो है प्रोटीन ओट्स स्मूदी। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ऑल टुगेदर, द मोस्ट पावरफुल मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट। प्रोटीन स्मूदी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं बॉइल्ड एग्स 12 रेजिन्स, हाफ कप वे प्रोटीन, हाफ एप्पल, हाफ कप ओट्स, सिनेमन पाउडर, फ्लैक्सीड पाउडर एंड 12 आलमंड्स। सबसे पहले हम ओट्स का पाउडर बनाएंगे। अब हम आलमंड्स और रेजिन को साथ में क्रश कर लेंगे। अब हम इसको बड़े जार में पोर कर लेंगे। हाफ एप्पल ऐड करेंगे, वन स्पून फ्लैक्सीड पाउडर, अगर आप पे फ्लैक्सीड पाउडर नहीं है तो आप फ्लैक्सीड भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिनेमन पाउडर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर फुल स्कूप वे प्रोटीन ऐड करें। अगर आप वे प्रोटीन यूज नहीं करते तो आप यहाँ पर बॉर्नविटा भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। 2-3 आइस क्यूब्स, 100-200 ml वाटर। हमारी प्रोटीन स्मूदी रेडी है। आपने अगर हाफ स्कूप वे प्रोटीन ऐड किया है तो आप 3 एग वाइट्स कंज्यूम करेंगे, अगर आपने वे प्रोटीन ऐड ही नहीं किया है तो आप यहाँ पर 5 एग वाइट्स कंज्यूम करेंगे। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है दोस्तों, प्रोटीन स्मूदी, उसके साथ 1 कप ग्रीन टी एंड 3 एग वाइट्स। इस मील के मैक्रोज हैं प्रोटीन 30 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 45 ग्राम्स एंड फैट 10 ग्राम्स। दोस्तों, मैं अपनी डाइट 2-3 महीने में चेंज करता रहता हूँ, क्योंकि सेम डाइट और सेम वर्कआउट से हमें बस 2-3 महीने तक ही रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी प्लेटो हिट करती है, जिससे हमारे रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। प्लेटो का मतलब जब आपकी बॉडी रिजल्ट्स देना बंद कर देती है, वो यूज टू हो जाती है आपकी उस डाइट से, उस वर्कआउट से। तो हमें हर 2-3 महीने में अपनी डाइट जरूर चेंज करनी चाहिए। बाकी इस टॉपिक को मैं अलग से कवर करूंगा। तो ये थी हमारी मील नंबर वन। हमारी टोटल जो मील्स होंगी वो 6 स्मॉल मील्स होंगी। मिलता हूँ आपसे मील नंबर 2 की तरफ। स्टे ट्यून्ड गाइस, मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप नीचे जाके सब्सक्राइब कर लो। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो मिस करो, और इस वीडियो को किसी ऐसे फ्रेंड या फैमिली में शेयर करो जिनको फैट लॉस करने में परेशानी हो रही है। आई एम श्योर ये वीडियो उनकी बहुत मदद करेगी। Thank you for watching guys, stay tuned.